हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, हमने डियर स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें कि 5 लेक्चर्स हमने अभी तक अपलोड किया है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट टाइम हम इसमें 5 लेक्चर्स में ही लिमिटेड रहेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो 5 लेक्चर्स हम अपलोड किए हैं इसके पहले यूनिट एंड डायमेंशन में, जो 5 लेक्चर्स हमने 1x1 सिक्वेंशियली अपलोड किया है, जिसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको सिक्वेंशियली देखेंगे, तभी आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स और पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियोज को सिक्वेंशियली 1x1 देख रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि वीडियोज को सिक्वेंशियली देखें, और जो भी मेथड सीखें, जो भी लेक्चर जो है लेक्चर सीरीज का आप लोग देख रहे हैं, उसमें आप मेथड सीखें, और उनसे रिलेटेड आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक्स हों, जो भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हों, ठीक है, उस मेथड से रिलेटेड आप लोग मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर से या आपके किसी हेल्पिंग बुक से बुक्स आप लोग जरूर रखें, और उनका एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू होते हैं, और हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो नया चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट एंड एरर्स, ठीक है, मेजरमेंट एंड एरर्स। मेजरमेंट एंड एरर्स से एवरी ईयर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके कॉलेज एग्जाम में, आपके होम एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और इनसे जो है डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका हमारी फिजिकल लाइफ में भी वेरी वेरी मोस्ट यूजेस है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट एंड एरर्स में यहाँ पर हम थोड़ा सा, आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा हमारा, और इसमें हम एक टॉपिक भी कवर करेंगे जिसको हम अभी नाम देंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोज को सिक्वेंशियली देखेंगे, ठीक है, ऑलवेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं इसमें मेजरमेंट एंड एरर्स। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, इसके पहले के क्लासेस में आप लोग वर्नियर कैलिपर्स, मीटर गेज, मीटर स्केल, ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट ऑल ऑफ यू हैव डिस्कस्ड, ठीक है, अबाउट ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स यू हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। फिर भी डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और अपने वीडियो लेक्चर में किसी भी चैप्टर में हम कोई भी टॉपिक नहीं लीव करेंगे, इग्नोर करेंगे। हम ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपसे जितना हमसे जितना पॉसिबल होगा हम सॉल्व करके आपके फ्रंट में एक्सप्लेन भी करेंगे, और ऑल डेरिवेशन ऑल कॉन्सेप्ट वी विल क्लियर हियर, ठीक है। तो आप लोग वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखें और रिवाइज करें, और डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम मेथड यहाँ पर सिखाएं आप लोग उस मेथड का यूज करें, और जो भी हेल्पिंग बुक्स में आपके क्वेश्चन हों उनको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पर मेजरमेंट एंड एरर का मतलब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है, जैसे हम कोई किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे मीटर स्केल हो गया तो उससे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और आपका वर्नियर कैलिपर्स हो गया तो उससे हम डायमीटर, इंटरनल या आउटर डायमीटर हम फाइंड आउट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर्स, जैसा कि आपका डायमीटर अभी हमने बताया, इंटरनल और आउटर दोनों डायमीटर मेजर कर सकता है, तो यह आपका एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपका वर्नियर कैलिपर्स या मीटर गेज कहें, या आपका जो है ये मीटर स्केल हो गया, मीटर स्केल जो कि लेंथ मेजर करता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है। इन इंस्ट्रूमेंट से डियर स्टूडेंट्स हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका मीटर स्केल हो गया, आपका मीटर गेज हो गया, ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट जो है अभी अभी जैसे हमने आपको बताया
वर्नियर कैलिपर्स हो गया, तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा हमको कुछ ना कुछ एरर्स मिलता है। ठीक है, इसमें जो वैल्यूज हमको आती हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऑब्जर्वेशन के बाद, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर प्रेजेंट होता है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं एरर्स, यहाँ पर हम बहुत टाइप के एरर्स डिस्कस करेंगे, उसमें हम अपकमिंग लेक्चर्स में कंटिन्यू होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम थोड़ा सा एरर के बारे में जानेंगे। जैसे डियर फ्रेंड्स, सपोज करते हैं कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमारे पास कोई मीटर स्केल है। ठीक है, इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर यह कोई मीटर स्केल है, इसने कुछ डिविजन्स कटे हैं, यहाँ पर ये जीरो हो गया, वन हो गया, टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमारे पास कोई मीटर स्केल है, ठीक है, जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं, और इससे क्या करेंगे, इससे हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई शेप है, ठीक है, कुछ भी है, वायर है या कोई रॉड हो गया, इसका हमको लेंथ मेजरमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। ठीक है, तो यहाँ डियर फ्रेंड्स ध्यान दें, तो एक लीस्ट काउंट वैल्यू जैसा कि आप लोग इससे इंट्रोड्यूस्ड होंगे पिछले क्लासेस में, लीस्ट काउंट वैल्यू क्या होता है डियर फ्रेंड्स, या वेरी वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच कैन मेजर एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे हम पूछें कि लीस्ट काउंट वैल्यू ऑफ दिस, लीस्ट काउंट वैल्यू ऑफ मीटर स्केल, लीस्ट काउंट वैल्यू ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट वैल्यू ऑफ मीटर गेज, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिस्ट काउंट वैल्यू का मतलब आप क्या समझोगे, यह वह छोटी से छोटी वैल्यू या हमको इंट्रोड्यूस करवाता है या प्रोड्यूस करता है, या डियर स्टूडेंट्स यह वह छोटी से छोटी वैल्यू होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जिसको हम उस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लोअर वैल्यू को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा लिस्ट काउंट वैल्यू। लिस्ट काउंट वैल्यू सभी इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग होती है। ठीक है, लीस्ट काउंट वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट वैल्यू जो होती है सभी इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग होती है। वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट वैल्यू डिफरेंट होगी, मीटर गेज की लीस्ट काउंट वैल्यू डिफरेंट होगी, और आपका मीटर स्केल की लीस्ट काउंट वैल्यू डिफरेंट होगी। ये डियर स्टूडेंट लीस्ट काउंट वैल्यू निकालते कैसे हैं, जैसे देखें, ध्यान से देखें, जैसे हमारे पास कोई मीटर स्केल है, ठीक है, इसमें ये कुछ डिविजन्स ऐसे करते हैं, ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स कोई हमारे पास मीटर स्केल है, इसमें कुछ डिविजन्स कटे हुए हैं, ठीक है, इसको हम वन टू थ्री एंड सो ऑन फोर फाइव। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू हमको निकालनी है, इस मीटर स्केल की लिस्ट काउंट वैल्यू। लिस्ट काउंट वैल्यू का मतलब डियर स्टूडेंट्स वो होता है, फिर से हम रिवाइज कर दें कि जैसे लिस्ट काउंट वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो वैल्यू होती है, वो वैल्यू बाय दिस इंस्ट्रूमेंट हम मेजर कर सकते हैं, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बाय दैट इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर। ठीक है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की डियर स्टूडेंट्स जैसे हम कहें कि लिस्ट काउंट वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझेंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट वैल्यू 1 जो है उसका वो यह बताता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से हम 1 सेंटीमीटर से लेस वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह इसकी लिमिट है। ठीक है, या जो है वो छोटी से छोटी मेजरमेंट वह इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, उसके नीचे की वैल्यू, उससे लोअर की वैल्यू हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये बताता है हमारा लीस्ट काउंट वैल्यू। ठीक है, तो लीस्ट काउंट वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लीस्ट काउंट वैल्यू। अब आइए हम देखते हैं निकालते कैसे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। तो लीस्ट काउंट वैल्यू जैसे कि आपका कोई वर्नियर, सॉरी, ये आपका हम सपोज करके कोई मीटर स्केल है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट वैल्यू निकालने के लिए डियर फ्रेंड्स उसमें हम क्या करते हैं, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू ये ले लेंगे जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जैसे कि इसमें 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 हो गया, और इसमें जो डिविजन्स हैं, इसमें जो है डियर फ्रेंड्स ध्यान दें, ये जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स जो होते हैं इनको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ डिविजन्स 10 है। ठीक है, यहाँ पर इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे लिस्ट काउंट वैल्यू से। तो
तो लीस्ट काउंट वैल्यू आपकी वह स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है विच कैन मेजर बाई एनी इंस्ट्रूमेंट, वी कैन नॉट मेजर लोअर देन लीस्ट काउंट वैल्यू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट से छोटी वैल्यू हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जैसा कि हमारा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर ये कोई मीटर स्केल है हमारे पास, ठीक है, ये कोई मीटर स्केल है हमारे पास और ये ए बी लेंथ का रॉड है, ठीक है। इसकी लेंथ आपको विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है, हमारे पास ए बी शेप का कोई रॉड है इस शेप में और विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर स्केल यू कैन फाइंड या यू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रॉड ए बी। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, यहाँ से इसकी लेंथ आप मेजर नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी लेंथ मेजर कर सकते हो लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसमें कुछ इरर्स प्रेजेंट है। देखो जैसे कि आप देखोगे इसका लेंथ जो है 6 से ग्रेटर आएगा और 7 से लेस आएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स फिर से सुनेंगे, यहाँ पर जब इसका लेंथ जो है, इसकी लेंथ ए बी है, ए बी जैसे वायर मान लो अगर ए बी वायर जो है इसकी लेंथ अगर हम मेजरमेंट करें इस मीटर स्केल से, तो इस मीटर स्केल का सबसे पहले लिस्ट काउंट वैल्यू देखो, तो यहाँ से हम इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ से इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1/1 स्मॉल वैल्यू क्या है 1 है और डिवीजन 1 है, ठीक है। 1/1 क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो यहाँ पर इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो 1 से स्मॉलेस्ट वैल्यू, 1 से स्मॉल वैल्यू को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर स्केल। तो यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस ए बी रॉड की लेंथ या वायर की लेंथ जो है, अगर विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर स्केल अगर आप मेजरमेंट करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी लेंथ जो है 6 से ग्रेटर है और 7 से लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ इरर्स जो है आपके प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो है इरर्स का मतलब आपको आई होप फील हुआ होगा, यहाँ पर किसी भी मेजरमेंट के ड्यूरिंग इरर्स क्यों आती हैं, ठीक है। हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें इरर्स क्यों आती हैं, यह इरर डियर स्टूडेंट्स कोई फिक्स नहीं है कि इसी फिक्स रीजन से सभी इंस्ट्रूमेंट में यह इरर जो है प्रेजेंट होता है। इरर जो है डियर स्टूडेंट्स मेनी टाइप्स होते हैं, जैसा कि अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स में कंटिन्यू रहेंगे और देखेंगे, इसमें यह चैप्टर ही हमारा इरर्स है, ठीक है, मेजरमेंट एंड इरर्स। तो इरर्स का नाम यहाँ पे क्यों आया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सिमिलरली। यहाँ पर तो हम एक एक एग्जांपल दे रहे हैं मीटर स्केल का, जैसे कि ये लिस्ट काउंट वैल्यू इसकी कितनी है 0.1, तो डियर स्टूडेंट्स 0.1 से स्मॉल वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। 0.1 से स्मॉलेस्ट वैल्यूज को या मेजरमेंट नहीं कर सकता, इसमें कुछ ना कुछ इरर जरूर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट अगर कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इरर भी प्रेजेंट है, हमको एब्सोल्यूट वैल्यू भी मिलेगी और उसके साथ उसमें कुछ ना कुछ इरर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू और जो कि कुछ इरर्स होगा, मतलब उसमें अनसर्टेनिटी होती है, तो इस इरर और अनसर्टेनिटी के कॉम्बिनेशन को, इसके इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से एसोसिएटेड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, सिग्निफिकेंट फिगर जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू कह सकते हैं प्लस अनसर्टेन डिजिट, ठीक है, 1 अनसर्टेन डिजिट, ये होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर, डियर स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड 1 अनसर्टेन डिजिट,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू और अनसर्टेन डिजिट के सम को, इसके योग को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर डियर स्टूडेंट्स किसी भी वैल्यूज का, किन्हीं भी किसी भी मेजरमेंट्स के ड्यूरिंग जो हमको वैल्यूज मिली हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग हम कैसे करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंटिंग करने का कुछ मेथड है, कुछ रूल्स हैं, और इनको हम डियर स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं जस्ट इसी के नेक्स्ट स्टेप में। वन बाय वन इनके रूल्स हम डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट्स रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला रूल जो है हमारा, सबसे फर्स्ट रूल है, एवरी नॉन जीरो वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एवरी नॉन जीरो वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका फर्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ मेजरमेंट किया जिसकी वैल्यू आपको क्या मिली 2.35, ठीक है, इसमें कोई भी जीरोज नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इन सबको आप काउंट कर लोगे 1, 2, 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना बोलोगे 3। ठीक है, नेक्स्ट में 5.732, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना बोलोगे 4, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर, आई होप आपको इसका पहला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जितने भी नॉन जीरोज वैल्यू होंगे उन सबको काउंट कर लोगे वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर बताती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं, सेकेंड रूल इसका। सेकेंड रूल डियर स्टूडेंट्स आपका ये कहता है, सेकेंड रूल आपका ये कहता है, जीरोज जीरोज बिटवीन एनी टू नॉन जीरोज डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। डियर फ्रेंड्स, जीरोज बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, देखेंगे इसका एग्जाम्पल। हम यहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट से क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे आप गिवन हो 2.032, है ना, यहाँ से डियर फ्रेंड्स, या आपको गिवन हो 2305, ठीक है, यहाँ से ध्यान दें, ये आपका कोई भी दो डिजिट हो गया और इसके बीच में एक जीरो प्रेजेंट है, ये दोनों नॉन जीरो हो गए और इसके बीच में एक जीरो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 4। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, किन्हीं भी दो नॉन जीरोज के बीच में जितने भी जीरोज होंगे उनको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड रूल हो गया। आइए डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट थर्ड रूल देखते हैं, इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग नोट्स बना सकते हैं, वेरी इजी है, इसको आप लोग वीडियो, आपके पास ऑप्शन होगा स्टॉप करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड रूल है, रूल थर्ड है हमारा डियर स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड रूल ये कहता है कि जैसे किसी डेसिमल के बाद, किसी डेसिमल के बाद कोई आपके पास डिजिट है उसके बाद डेसिमल लगा है, तो डेसिमल के बाद ट्रेलिंग ऑफ जीरोज है, ट्रेलिंग ऑफ जीरोज का मतलब मेनी लार्ज नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप उनको सबको काउंट कर लोगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, थर्ड रूल आपको क्या कहता है, आफ्टर डेसिमल ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है,
डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आफ्टर डेसिमल ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, इसकी इसको हम देखेंगे, इसका एग्जांपल से जैसे कि हम देखेंगे आफ्टर डेसिमल ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर मींस, इसको हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास लिखा हुआ 2.002, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं 2.00, 23.00, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद देख रहे हैं कितने भी जीरोज हैं, इन सबको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर ट्रीट कर सकते हैं, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो कितना आएगा 3, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने हो गए 6। तो आई होप आपको रोल नंबर आपका थर्ड क्लियर हो गया होगा। थर्ड रोल में हम क्या कह रहे हैं, जैसे आपका कोई डेसिमल हो उसके बाद आपके कितने भी जीरोज हो, ट्रेलिंग ऑफ जीरोज हो, हम उन सभी जीरोज को काउंट कर लेंगे, वो सब आपके सिग्निफिकेंट फिगर कहे जाएंगे, ठीक है। रूल नंबर फोर्थ, नेक्स्ट रूल आइए हम सीखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ रूल है हमारा रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर क्या कहता है, एवरी इफ एनी डिजिट इन पावर्स ऑफ 10, ठीक है, पावर्स ऑफ 10 में कोई भी डिजिट है तो डियर स्टूडेंट्स वी आर नॉट काउंट द पावर ऑफ 10 वैल्यूज एज अ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे पास जैसे एग्जाम्पल्स हैं 2.3 × 10^5 लिखा है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स जैसे 2.3 × 10^5 लिखा है, इसमें हम 10^5 का काउंटिंग्स एज अ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं करते हैं, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपको कितना मिलेगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपको 2 मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 की पावर चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जैसे एग्जाम्पल में 3.23 यहाँ 2×10^-5 लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3, इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3। यहाँ पर 10 की कितनी भी पावर होगी हम इसको काउंट नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 हो गया। तो आई होप आपको रूल नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसमें नेक्स्ट रूल देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर फाइव है। जैसे डियर स्टूडेंट्स इफ जीरोज आर प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल एंड जीरोज प्रेजेंट हो आपके डेसिमल के बाद एंड नो एनी नॉन जीरो डिजिट present to the decimal of left, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो इनका जो है सभी जीरोज को, जो भी जीरोज आपके प्रेजेंट हैं आफ्टर डेसिमल, इनका हम सिग्निफिकेंट फिगर, इनको एज अ सिग्निफिकेंट फिगर हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, इसको आइए फिल करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, डिजिट प्रेजेंट टू द डेसिमल ऑफ लेफ्ट देन वी आर नॉट काउंट जीरोज एज द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिख रहे हैं,
यहाँ से ध्यान से देखें, जैसे हमारे पास लिखा हो 0.002, ठीक है, यहाँ से देखें डेसिमल के बाद आपका, डेसिमल के जस्ट बाद आपका कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं, ठीक है, यहाँ पर जीरो प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल, देखो डेसिमल के बाद जीरो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ जीरो के लेफ्ट में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या कहेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, वन है, यहाँ पर इन जीरोज को हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम नहीं काउंट करेंगे, ये हमारा थर्ड रूल कहता है, सॉरी ये हमारा रूल नंबर 5 कहता है, ठीक है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स वन बाई वन आपके सारे रूल्स क्लियर हो रहे होंगे। आपका फर्स्ट रूल क्या था, जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज हों उन सबको काउंट कर लो, वो आपके सभी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा क्या था, अगर कोई भी जीरो प्रेजेंट है किन्हीं दो सिक्वेंशियली नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो यहाँ पर उसको भी हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर सकते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। ये आपका रूल नंबर सेकंड था। रूल नंबर थर्ड था, डेसिमल के बाद जितने भी जीरोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम काउंट करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये आपका थर्ड रूल था। नेक्स्ट रूल था डियर स्टूडेंट्स की 10 to power जितनी भी लिखी होती हैं, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, इन सबको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि दशमलव पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी, चाहे ट्रेलर ऑफ जीरोज हो, ट्रेनिंग ऑफ जीरोज हो, सॉरी ट्रेनिंग ऑफ जीरोज भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर की तरह नहीं काउंट करने हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आई होप आपको 5 रूल क्लियर हो गए। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, 6th। ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हमारा 5th रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं, वेरी इजी है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, इनको रूल्स को आप लोग इसको ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 6 है। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हमने कोई लेंथ मेजरमेंट किया, इसकी वैल्यू 72 मिलीमीटर, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से 72 × 10⁻³ मीटर, तो यहाँ से इसका सिग्निफिकेंट फिगर फिर से देखें 2 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करते हैं, यहाँ से आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। अब यहाँ से थर्ड में इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें 72 × 10⁻¹, ठीक है, नैनोमीटर, तो डियर स्टूडेंट्स इसका सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितना है, 2 है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपका सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, ये आपका रूल नंबर 6 था, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि नेक्स्ट रूल में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे कि रूल नंबर हमारा ये हो गया 7। आपके पास ट्रेनिंग ऑफ जीरोज हो विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इफ ट्रेनिंग ऑफ जीरो आर प्रेजेंट विदाउट एनी डेसिमल, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, ठीक है, देन वी आर नॉट काउंट
इट एज सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब फिर करेंगे, जैसे जैसे आपके पास लिखा हो 264 मीटर, ठीक है, इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 264 सेंटीमीटर में, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देती है, क्या हो गया 264 100, ठीक है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर देखिए कितना था, 3 था, यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होगा, यहाँ पर ट्रेलिंग ऑफ जीरोज को हम काउंट नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो डियर फ्रेंड्स आई होप आपको ये रूल नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा, वेरी वेरी इजी रूल है, ठीक है। रूल नंबर 7 में हमने आपको क्या बताया कि जैसे आपका ट्रेलिंग ऑफ जीरोज प्रेजेंट हो, ठीक है, यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट भी नहीं इंक्लूड है, देख रहे हैं, अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं इंक्लूड है और आपका ट्रेलिंग ऑफ जीरोज है, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर उन जीरोज को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होंगे केवल उन्हीं का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इसका आपको फिक्स मिलेगा। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर ये मीटर में था, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आप ये आपका डियर फ्रेंड्स जैसे कि मीटर में था, सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट किया, वैसे ही आपका कोई चीज़ का ग्राम में दी गई हो, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी आपका उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर की सेम रहेगी, जैसे जैसे आपने यहाँ पर लिखा है 5G, ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखा है या ऐसे लिखा है, दूसरे एग्जाम्पल में इसको फिर कर सकते हैं, जैसे लिखा हो 1 kg, ठीक है, और 1 kg में 1000 g, तो देखेंगे इसमें भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसमें भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम जीरोज को एज अ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हो गया होगा, आपका ये था रूल नंबर 7, ठीक है, तो आपने 1 by 1 7 रूल डिस्कस कर लिए, एक लास्ट रूल इसमें और बचा है, डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर भी बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग लेक्चर्स को सिक्वेंशियली देखेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं रूल नंबर एट। डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 8 ये कहता है कि जैसे कि इसका पहला हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एवरी एग्जैक्ट वैल्यूज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, डियर स्टूडेंट्स जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग फील करेंगे, जैसे कि हम बोलें 20 balls placed इन बास्केट, ठीक है, जैसे डियर स्टूडेंट्स अगर किसी बास्केट में 20 बॉल्स प्लेस्ड रखे हुए हैं, यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या बोलोगे, इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनेशन सिखाया था कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एग्जैक्ट सम ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस या एन सम, अगर बोल रहे हैं तो प्लस ही हुआ, सम ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर कोई चीज़ फिक्स कही जा रही है एब्सोल्युटली राइट है, यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये रूल्स भी क्लियर हो गया होगा। इसमें डियर स्टूडेंट्स जैसे और भी जैसे पाई की वैल्यू है, और भी एग्जाम्पल्स इसमें, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, ठीक है, इसका भी आपसे अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाता है तो आप इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इसका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो
आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको सभी रूल्स क्लियर हो गए होंगे। सिक्वेंशियली आपको वन बाय वन सभी रूल्स इसको रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे, आप लोग वीडियोज रिवाइज करेंगे, ठीक है, अपनी हेल्पिंग बुक्स की हेल्प लेंगे और हेल्पिंग बुक्स में एक्सरसाइज में आपके मेनी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वैसे भी हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में, और उसमें हम एक रूल भी सिखाएंगे आपका राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो ही ज़रूर देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और कोई भी इसमें एग्जांपल्स प्रैक्टिस करें अपने हेल्पिंग बुक्स में जो भी इनसे इस मेथड से रिलेटेड है, और मोर एंड मोर क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करें खुद से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हम अपकमिंग लेक्चर्स में अभी कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ एग्जांपल्स ले करके देखेंगे इस पर बेस्ड जो है कैसे स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं इन सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टॉप करते हैं, थैंक यू वेरी मच।